नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुख करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री रीवा के सेमरिया पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एमपी में कांग्रेस का खाता नहीं खुलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने विकास के विजन को बढ़ाया है। भाइयों बहनों, आपने अभी दीपावली के पावन पर्व को परसों हर्षोल्लास और उमंग के साथ संपन्न किया है। दीपावली हर ओर उल्लास था, उमंग था, और अयोध्या के दीपोत्सव को देखा कि नहीं देखा? देखा ना, कैसा लगा? अच्छा लगा। आप बताइए, अगर कांग्रेस होती तो क्या अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होता क्या? और अयोध्या में अब तो भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है ना, क्या कांग्रेस होती तो क्या राम मंदिर बन पाता क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती, कांग्रेस आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, कांग्रेस आपका विकास नहीं कर सकती, कांग्रेस हर घर नल की योजना को लागू नहीं कर सकती। तो भाइयों बहनों, फिर इस बोझे को अपने सिर में ढोने से मतलब क्या है, फायदा क्या है? कोई फायदा है क्या? और इसीलिए आप सबका मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता तो बहुत आगे निकल चुकी है विकास की दिशा, और याद रखना उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं और वहां हाथी का केवल एक विधायक है। 403 में से एक, तो मध्य प्रदेश में तो खाता ही नहीं खुलना चाहिए, आप जानते हैं ना। और कांग्रेस के 403 में से केवल दो हैं, तो मध्य प्रदेश में भी खाता खुलना ही नहीं चाहिए। वहीं झांसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर मध्य प्रदेश चुनाव में जीत का दावा किया, तो साथ ही सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर भी जमकर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य वही बोलते हैं जो अखिलेश उन्हें लिखकर देते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश का चप्पा चप्पा अब बीजेपी में हो गया है और अब कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया होने वाला है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की दृष्टि से भी जाना है, इस समय मध्य प्रदेश का चप्पा चप्पा भाजपा का हो गया है। चारों तरफ कमल की आंधी चल रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम की सुनामी चल रही है, और कांग्रेस का जो हाल उत्तर प्रदेश में है, आने वाले समय में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वही हाल उनका मध्य प्रदेश में होने वाला है। तो वहीं छठ पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बलिया में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया। इस दौरान रोहित कुमार सिंह ने कहा कि लोक आस्था के महापर्व छठ के पावन अवसर पर पूरे देश भर में 1,00,000 साड़ी का वितरण किया जाएगा। और इस दौरान रोहित कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवतार हैं जो गरीब को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि देश की जनता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परिवारवादी शक्तियों के खिलाफ देश का युवा एकजुट है। तो वही दिवाली में हुई जमकर आतिशबाजी ने एक बार फिर आबोहवा को बिगाड़ कर रख दिया है। गाजियाबाद में बढ़े प्रदूषण से शहर में धुंध की चादर देखने को मिल रही है, ये देखिए रिपोर्ट। दिवाली के बाद से ही एक बार फिर से प्रदूषण में इजाफा दिखने लगा है, खासतौर से दिल्ली और आसपास के इलाके जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, वहाँ वायु प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है। गाजियाबाद भी इससे अछूता नहीं है।
यहाँ एयर क्वालिटी वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज किया गया है। धुंध और धुएं की मोटी परत छाई हुई है। खास तौर से सुबह के वक्त तो हालात ज्यादा ही खराब थे। विजिबिलिटी भी काफी कम थी, इसलिए तमाम वाहनों को गाड़ी की हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलानी पड़ रही थी। गाजीपुर फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट के पास वाहनों की गति काफी धीमी रही, क्योंकि ज्यादा दूर तक देख न पाने की वजह से लोग धीमी स्पीड में ही गाड़ियां चलाने को मजबूर थे। प्रदूषण बढ़ने से सांस संबंधी बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए सुबह मॉर्निंग वॉक करने से बचें। तो वही रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें श्रावस्ती से, बड़ी खबर बड़ी जानकारी। श्रावस्ती के 6 मजदूर उत्तराखंड में फंसे। उत्तरकाशी में मजदूरी करने गए थे 6 मजदूर भूस्खलन से टनल दुर्घटना में फंसे। मजदूर करीब 40 लोग श्रावस्ती के, इसमें 6 मजदूर शामिल हैं। आपको बता दें कि डीएम कृतिका शर्मा ने इस पूरे मामले का संज्ञान भी लिया है, क्योंकि दिवाली के दिन जहां उत्तराखंड में निर्माणाधीन टनल ध्वस्त हुई थी, और उस दौरान इस टनल के अंदर 40 मजदूर फंसे हुए हैं जिनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। 60 मीटर तक का जो मलबा था उसके अंदर ये मजदूर फंसे थे, जिनमें से अभी लगातार मजदूरों को अंदर पानी की सुविधा भी दी जा रही है, खाना उनको पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो मजदूर है उनका रेस्क्यू लगातार जारी है। ऐसे में उत्तरकाशी के इस टनल में फंसे 6 श्रावस्ती के भी मजदूर हैं। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। श्रावस्ती के भी 6 मजदूर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, तो वही डीएम कृतिका शर्मा ने इस पूरे मामले का संज्ञान भी लिया है। तो टनल दुर्घटना में करीब 40 लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आई है, और ऐसे में इनमें से 6 श्रावस्ती के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि मजदूरी करने के लिए उत्तराखंड गए थे। तो वही लगातार टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। छुट्टियों में ताजमहल पर उमड़ी भीड़, ताज का दीदार करने पहुंचे पर्यटक। विदेशी पर्यटकों ने किया ताज का दीदार, तो टिकट सर्वर हुआ डाउन, पार्किंग फुल, टिकट काउंटर पर भी लंबी लंबी कतारें पर्यटकों की देखने को मिल रही है। और ऐसे में जो टिकट सर्वर है वो भी डाउन हो चुका है, और साथ ही साथ पार्किंग की अगर बात की जाए तो पार्किंग भी फुल है, क्योंकि छुट्टियों में लोगों का रुख ताजमहल की ओर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में खासतौर पर विदेशी पर्यटक भी इस दौरान ताजमहल पहुंच रहे हैं। तो आगरा से ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी। छुट्टियों में ताजमहल पर उमड़ी भीड़, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रशासन भी इस दौरान ताजमहल के आसपास चाक चौबंद नजर आ रहा है। विदेशी पर्यटकों ने भी ताजमहल का दीदार करने के लिए जहां आगरा पहुंचे हैं, तो वहीं इस दौरान ताजमहल के आसपास पार्किंग भी फुल हो चुकी है, और खासतौर पर टिकट काउंटरों पर भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं आगरा से ताजमहल। और संत कबीर नगर से बड़ी खबर। पुलिस थाने पहुंची बुजुर्ग महिला, फरियाद लेकर पहुंची वृद्ध महिला थाने में। पुलिस वालों ने उन्हें भोजन करवाया, तो वहीं तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। गांव के 2 लोगों के खिलाफ ये बुजुर्ग महिला शिकायत लेकर पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस ने भी इस पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांव के 2 लोगों के खिलाफ इस शिकायत थी। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी। पुलिस थाने पहुंची बुजुर्ग महिला, तो फरियाद लेकर पहुंची वृद्ध महिला, जिनकी शिकायत होने के बाद तुरंत एसओ को भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वही गांव के 2 लोगों के खिलाफ इस मामले में शिकायत की गई है। आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला के जहां पुलिस थाने पहुंचने पर पुलिस कर्मचारियों ने उनको भोजन भी कराया, और उसके बाद उनकी संज्ञान पर तुरंत एसओ ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी संत कबीर नगर।
करेंगे 5 मिनट में बच्चों बड़ी खबरों का। बस्ती में दो पक्षों में कारसूनी के चलते हुआ जमकर विवाद, युवक पर रॉड से किया प्रहार, इलाज के दौरान हुई मौत। कानपुर में बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, यात्रियों में मचा हड़कंप, राहगीरों ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया। इटावा में आवास योजना की खुली पोल, कच्चे घरों और झोपड़ियों में रहने को मजबूर, ग्रामीण अधिकारी कर रहे मोटी रकम की मांग। आजमगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक पर की फायरिंग, काफी दिनों से चल रहा था विवाद, घायल की स्थिति नॉर्मल बताई। बाराबंकी में युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या, पत्नी और सालों पर हत्या करने का आरोप, लखनऊ में मजदूरी करने के लिए आया था युवक। आगरा में स्वामी प्रसाद मौर्य ने दीपावली पर मां लक्ष्मी पर किया भद्र टिप्पणी, हिंदूवादियों में आक्रोश, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दी तहरीर। रायबरेली में नहर किनारे मिला ज्ञात का शव, लोगों में मचा हड़कंप, पुलिस शव की पहचान करने में सफल। उन्नाव में एसपी के औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप, एसपी ने कोतवाली में महिला हेल्प डेस्क और अभिलेखों का किया निरीक्षण। प्रयागराज में भतीजे ने किया चाचा पर हमला, इलाज के दौरान मौत, परिजनों में मचा आक्रोश। नोएडा के गेस्ट हाउस से करोड़ों का माल चोरी, चोर ने करोड़ों के कैश और ज्वेलरी पर किया हाथ साफ, मामले की जांच पड़ताल में जुटे थे। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने 2 से 3 घरों को बनाया निशाना, लाखों रुपए के माल पर किया हाथ साफ। मुरादाबाद में छात्र पर जानलेवा हमला, अवैध तमंचे से किया फायर, इंस्टाग्राम पर अपशब्द बोलने के बाद हुआ था विवाद। बागपत में गहरे नाले में फंसी भैंस, भैंस को बचाने के लिए चलाया रेस्क्यू, जेसीबी की मदद से बचाई जा। सोनभद्र में अवैध शराब तस्करी मामले में पुलिस को कामयाबी, 700 से ज्यादा पेटी अवैध शराब बरामद, 70 लाख रुपए बताई जा रही शराब की। अंबेडकर नगर में दिव्यांग युवक पर खाकी ने बरपाया कहर, युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, परिजनों में रोष। लखनऊ के केजीएमयू में मरीजों की डाइट से हो रहा खिलवाड़, खाने की अवस्था पर लगाया जा रहा पलिता, 3 दिनों से मरीजों ने नहीं मिल रहा मक्खन, दूध और चाय। बागपत में 6 साल के बच्चे के साथ एक कुकर्म, बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस कर रही मामले की जांच। अलीगढ़ में टैंकों के से बेटा चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई थी। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ की मौत, परिजनों ने पति पर लगाया प्रेमी संग, हत्या का आरोप, पुलिस ने पत्नी को किया गिरफ्तार। अमरोहा में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, पैसे के लेन देन को लेकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल। लखनऊ के गोमती नगर की झाड़ियों में मिला युवक का शव, 38 वर्ष है युवक की उम्र, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। मिर्जापुर में गंगा जमुनी फाउंडेशन ने कवि सम्मेलन का किया आयोजन, सम्मेलन में उमड़ा जन सैलाब, कवियों ने श्रोताओं का किया मनोरंजन। कन्नौज में नशे में धुत स्कॉर्पियो चालक ने साइकिल को रौंदा, मां और बेटा गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने गाड़ी का लेकर शुरू की जांच। आगरा में छुट्टियों में ताजमहल पर उमड़ी पर्यटकों की भीड़, हजारों की संख्या में पहुंचे देशी और विदेशी पर्यटक। गाजियाबाद में नशे की हालत में मेडिकल स्टोर में घुसी कार, लाखों के सामान का हुआ नुकसान, सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।